क्या आप लोग हमेशा की तरह जब हम कॉल करते हैं तो इश्यूज ले आते हैं अपनी, आपकी और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स होती हैं। हमने आपको आज इसलिए अपनी मुहर्रम अल हराम शुरू हो चुका है और उसकी सिक्योरिटी के इंतजाम और मुहर्रम अल हराम की जो रसूमात और तकरीबात हैं उसके इंतजाम बलोचिस्तान शिया कॉन्फ्रेंस का उतारा सब वो भी हमारे साथ होते हैं और पुलिस और एफ सी मिल के जो हम इंतजाम करते हैं, लेकिन हम तो सामने हैं जो इंतजाम करने वाले हैं, लेकिन इसके पीछे और बहुत सारे हमारे आर्मी के, पुलिस के, एफ सी के यूनिट्स होते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं ये बहुत हवालों से और बड़ी एक्टिव सपोर्ट करते हैं। इंटेलिजेंस के बहुत सारे जो हमारे लोग हैं वो भी करते हैं, जिसके बगैर हम अपना इंतजाम नहीं कर सकते। मुहर्रम अल हराम की आज 3 तारीख है, तीसरी मुहर्रम है और इसके इंतजाम के सिलसिले में हम पिछले तकरीबन 2 हफ्तों से लगे हुए थे। जितनी हमने कोऑर्डिनेशन की मीटिंग्स उलमा की आपस में जो रूट के ऊपर मसाजिद आती हैं वो और जो हमारे आपस में मीटिंग्स होनी थी और एफ सी पुलिस सारी हो चुकी थी। और इस वक्त आपकी इतला के लिए मैं अर्ज करता चला जाऊँ कि 56 इमाम बारगाहें हैं, 17 तकिया खाना है और इन सारों में अगर रोजाना 1% तलाक हो चुकी है तो 73 मजालिस जो है वो रोजाना की बुनियाद पर हो रही हैं और 10 दिन में 7 रुपया इसे कमा हो चुकी मजालिस में और इन सारी मजालिस के ऊपर ही हमारी और एफ सी की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हमारी तो हर जगह पे है लेकिन एफ सी जहाँ होती है वो कर लेते हैं वो भी हैं। हर इमाम बारगाह के ऊपर हमने जो सिक्योरिटी 56 की 56 है वो भी दे दी है और अगर कोई कमी होती है तो हम आपस में रोज़ाना की बुनियाद पर उसको रिव्यू कर रहे हैं। इस सिलसिले में कुछ जो म्यूनसिपल सर्विसेज के काम हैं कुछ हो रहे हैं, कुछ की टाइम कल लास्ट डे है कि वो भी पूरे 4 मुहर्रम अल हराम तक हो जाएँ। रोशारा एक बड़ा जुलूस होता है जो पहला बड़ा क्वेटा के अंदर जुलूस होता है, उसमें 3,000 तक की हमारी डिप्लॉयमेंट होती है, शहर की डिप्लॉयमेंट अलग है। जिस दिन हमारा मुहर्रम अल हराम का 10वीं का जुलूस होगा आखिरी, जिसमें मारवाड़ और काजमाच और सेटेलाइट टाउन से हज़ारा टाउन से सारे लोग आ चुके होंगे, तो वो बहुत बड़ा जुलूस होता है, तो उस वक्त हमारी जो डिप्लॉयमेंट होगी वो 5,000 से ज़्यादा होगी। इसमें एफ सी की जो डिप्लॉयमेंट है वो भी वो इसके अलावा मैंने इससे पुलिस की डिप्लॉयमेंट की बात की है वो इसमें स्पेशल ब्रांच की डिप्लॉयमेंट इसके अलावा है, लेकिन इसी हमारे फिगर में शामिल है। हम अपनी कमी पूरी करने के लिए अपने रीजन जो है क्वेटा उसमें से लोग लेते हैं और पूरे बलोचिस्तान से जहाँ मुहर्रम की एक्टिविटीज़ नहीं होती वहाँ से लोग लेते हैं। इस तरह आई जी साहब ने हमें वसाइल जितने देने थे, अफसरान जितने देने थे, नफरी की कमिटमेंट और जो देनी थी वो पहुँच गई है। इसमें एफ सी की जो डिप्लॉयमेंट है वो इनकी प्लाटून की शक्ल में होती है, तो इनकी कोई मेरा ख्याल है 2,000 लोग हैं। इन्होंने बाहर से तकरीबन 1,200 लोग मज़ीद लगा के 2,000 के करीब ये भी लगाए हैं। इनकी 50 की मोटरसाइकिलों की पेट्रोल्स चलती हैं, इनकी इसी तरह गाड़ियों की जो पेट्रोल्स चलती हैं हमारी भी चलती हैं। तो हम एक तरफ तो मुहर्रम अल हराम के जुलूस की सिक्योरिटी करते हैं, दूसरी तरफ हम अपने रूटीन की इस्टेब्लिशमेंट हैं जो बाकी काम है उसको भी उसी तरह ही प्रोटेक्ट करते हैं, हर बंदे की सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हमारे जो रूट होगा मुहर्रम का उस दिन हमारी हैंगग्राउंड सिक्योरिटी भी होगी जो सादा कपड़ों में होती है, वो सिर्फ हमारी नहीं होगी, एजेंसियों की भी होगी, एफ सी की भी होगी, पुलिस की तरफ से भी होगी, कम्युनिटी की तरफ से हमें कोई 1500 से लेकर 2,000 तक वॉलंटियर्स हमारे साथ हैं, वो भी हमारे साथ मिल के काम करते हैं। इसके अलावा हम इसमें ये बंदोबस्त भी करते हैं कि जुलूस जो होता है उसकी राइट लेफ्ट और राइट जो गलियां निकलती हैं उनको जीप लगे हुए हम कहते हैं कि दोनों तरफ से बंद करते हैं और वो ताजरों की मशवरे से और मदद से भी करते हैं, वो हमारे साथ होते हैं मीटिंग उस सिलसिले में पहले की तरह होती है और उसमें बीडी टीम बीडी वाले सारे उसका सारा करके और क्लियर करके फिर शॉप को या उसको बंद करते हैं।
एक मसला हमारा दरमियान में आता है कि जुमा कर देते हैं उसके जुमा के दिन नमाज जुमा की भी है और वैसे भी असल की नमाज उस तरह होती है। तो कम अज़ कम इसमें आठ मसाजिद आती हैं, आठ मसाजिद की उलमा से हमारी तफसील से बैठेंगे, बातचीत हो गई है उनके साथ आपस में, हो गई है हमारे सामने ताकि उनको जुमे की नमाज के दौरान मस्जिदों के सामने नहीं होगा। जब वो कहेंगे इजाज़त देंगे कि जी हमारी मस्जिद में से अब जुमा की नमाज हो गई है तो उसके बाद जुलूस वहाँ से गुजरेगा। ये अंडरस्टैंड हमने उनको, ये हम हर तरह हर साल के अंदर हमने उनको इमरजेंसी नंबर भी दे दिया अगर कोई प्रॉब्लम है, लेकिन नंबर नहीं चलेगा उस दिन तो हमने बंदों को लगा दिया कि कौन बंदा इस मस्जिद के साथ रास्ते में रहेगा। अगर उसका जुमे का तो हम कर लेंगे क्योंकि बड़ा इवेंट है, असर की नमाज के वक्त अगर कोई प्रॉब्लम वो बताते हैं कि वो डिटेल में आप लोगों से इस हवाले से मैं इंतहाई मशहूर हूँ आप सब मीडिया के साथियों से और काइंडनेस रही है हमारे साथ, हमें हमेशा इन्होंने फैसिलिटेट किए पूरे शहर के लोगों को। तो इसी हवाले से मैं कुछ कहना चाहूँगा कि जैसे पुलिस और एफसी ने जो इंतजाम किया है इसी तरह बलूचिस्तान शिया काउंसिल, क्योंकि ये इवेंट की जिम्मेदारी इस इदारे की है, तो इसी तरह हमारे भी 2000 रजाकार जिसमें तकरीबन 400 के करीब हमारे पास फीमेल है जो करके खानों में आज़ा खानों में मामबारगाहों में जहाँ पे जनाना मजालिस होते हैं पुलिस से लेडीज कॉन्स्टेबल के साथ उनके मामले के लिए है। और इसी तरह बच्चे मुख्तलिफ चेक पोस्टों पर जो मामबारगाह तलाक कर रुके टांगी रोड में पुलिस और एफसी के साथ हमारे रजाकार हैं, स्काउट्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शनि हो चुकी है आई जी एफ सी के साथ मीटिंग में साहब के साथ आई जी पुलिस के साथ, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे पिछले सालों में इंतजाम थे जो चूँकि खुद एक्सपीरियंसड है हमारे अफिसरान भी, तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग पे जो है चलते हुए हम इंशाल्लाह साथ जो है मुहर्रम से मारवाड़ से आते हैं, मशहूर नौ मुहर्रम जो आते हैं इसी तरह 10 का इवेंट भी घर से गुजर जाएगी। बाकी जैसे इन्होंने कहा हमारी उलमाए सुन्नत के साथ बड़ी डिटेल के साथ मेरे दौर सदारत में यानी 2010-2014 में भी दो दफ़ा 10वां मुहर्रम जो है जुमे का, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि मुझे फ़ख्र के साथ ये कहना पड़ता है कि जो दुश्मन चाहते थे कि हम नज़दीक ना हो हमें तकसीम करें, मैं फ़ख्र के साथ ये कहना चाहता हूँ सारे उनकाबिलीन उन अहलिया शहर के बलूचिस्तान शिया काउंसिल की इस क़यादत को कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई शिया सुन्नी का मसला ही नहीं है, सारे मसाजिद उठ के आप सब मास्टर इतना तसल्ली करते होते हैं हमारे दानदार नमाज पढ़ते हैं अपनी इबादत करते हैं, वो जब चले जाते हैं फिर हमारे रतशी के लोग जाकर वहाँ वजू बनाते हैं उसी इमाम बारगाहों में मसाजिद में जो है नमाज अदा करते हैं। तो ये इंशाल्लाह कोई ऐसा इशू नहीं है, फिजा को बेहतर बनाने के लिए हमने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हर साल के शिया काउंसिल से करवाई, ये संडे का दिन इंशाल्लाह हम आपको जो है प्रेस क्लब में इतला करेंगे अपने बच्चों को अपने साथियों को उसमें कसर तादाद सुनमाशी और बलूचिस्तान शिया काउंसिल के जाकर हम इंशाल्लाह वहाँ पर आपको आगाह करेंगे कि हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है। मैं तो बल्कि ये इसके अलावा हमने जोब से और सुई से तकरीबन 2000 ट्रुप्स मंगवाए हैं जो कि एडिशनल तैनात होंगे 10 मुहर्रम को भी, और अभी से भी हम जितने भी इमाम बारगाहें हैं और तकिया गाज हैं उन पर हम डिप्लॉयड, और हमने मोटरसाइकिल पेट्रोल व्हीकल पेट्रोल और बाकी पेट्रोलिंग जो है नाका स्पेशल नाका को बढ़ा दिए हैं विद इफेक्ट फ्राम 1st मुहर्रम। सर स्वीप ऑपरेशन भी हम जॉइंट भी कर रहे हैं मुहर्रम से, वो इंटेलिजेंस एजेंसी की गाइडेंस के ऊपर वो कर रहे हैं।